सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान आपको पता होगा अभी बिग बॉस के घर पर है, तो ना अभी अपने फैमिली को जो है मिस कर रहे हैं। और उन्होंने अपने फैमिली को एक रिक्वेस्ट भी किया है ना, वो और आकांक्षा बैठे हुए थे, ठीक है। तभी आकांक्षा कहती है मैं अपनी मॉम की गॉसिप को बहुत ज्यादा याद कर रही। तभी फुकरा इंसान कहते हैं यार मुझे घर जाना है करके ना। इसके बाद वो अपने मॉम को रिक्वेस्ट करते और ज्यादा व्लॉग्स बनाने के लिए। वो बोलते हैं कि मम्मी आप बहुत सारे व्लॉग्स बनाओ, मुझे यूं ही सपोर्ट करो, पापा आप भी व्लॉग्स में आना, और मेरा भाई तो है ही तीस मार खान, वो बोलते हैं ना। एंड लास्ट में वो बोलते हैं मैं जीत के ही आऊंगा। और सुना आज बिग बॉस ने एक टास्क दिया था, ठीक है, टॉय फैक्ट्री टास्क, जहाँ पे कॉन्टेस्टेंट्स को जो है टॉयज बनाने। एंड दो टीम बनाए गए थे, एक व्हाइट टीम एंड एक ब्लैक टीम, ठीक है। व्हाइट टीम में फुकरा इंसान है, ब्लैक टीम में जो अविनाश है। और सुना व्हाइट टीम से आलिया थी जो कि टॉयज को रिजेक्ट एंड अप्रूव कर रही थी, एंड दूसरी तरफ पूजा भट्ट थी जो कि टॉयज को अप्रूव कर रही थी एंड रिजेक्ट कर रही थी। तो ना बिग बॉस ने जो टास्क को रोक दिया था, बट फिर भी जो है मनीषा टॉयज बना रही थी, एंड वो चीज जो है फुकरा इंसान ने देख लिया। जब वो अविनाश से इसके बारे में बात करने गए, तब अविनाश जो है चिल्लाने लगे, एंड इसके बाद जो फुकरा इंसान भी गुस्सा हो गए। एंड फिर वो दोनों के बीच में कहा सुनी हुआ ना, मतलब थोड़ा सा बेसिकली अविनाश ऊंची आवाज में बात की, वो फुकरा इंसान को पसंद नहीं आया। और जो पूजा भट्ट लाइव में जो है जैद के साथ बोलती है कि फुकरा इंसान को जो पैसे का घमंड है करके ना, अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला वो तो मुझे एक्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि मैं 24 आवर्स तो नहीं देख सकता। और जो इस बार कौन कौन कॉन्टेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए भाई, वो है आलिया सिद्दीकी एंड जिया शंकर। जहां तक मुझे लगता है अभी आलिया सिद्दीकी एविक्ट होने वाली। और जो ना पीपो ने सलमान खान से रिलेटेड एक ट्वीट किए थे, ये बताते हुए कि सलमान खान जो इतने सालों से बिग बॉस क्यों कर रहे, वो पूछते क्या लगता है पैसों की वजह से, एंड वो बोलते पैसा रीजन नहीं है। उनके हिसाब से सलमान खान बिग बॉस इसलिए करते ताकि वो रेलिवेंट रहे। वो बोलते बिग बॉस audience and his audience are a perfect match and he builds that new audience or revives them every year with each new season. और सुना क्रेजी दीप एक ट्वीट किए थे influencers का बिग बॉस भी डिबेट करना बनता है content, but audience जो पूरे दिन शो देखती है हेट देने जाती है, तुम लोग कितने बेरोजगार हो। आई मीन बंदा कॉलेज जाए, काम करे, जॉब करे, उसे कैसे टाइम मिलेगा बिग बॉस के सी देखने का। वही बेसिकली यहाँ पे उन ऑडियंस के बारे में बताया जो लोग जो है बिग बॉस देखते ही रहते हैं, हेट कॉमेंट्स वगैरह करते हैं कॉन्टेस्टेंट्स के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर अकाउंट में जाके। क्या सोचते हैं आप लोग कॉमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बाद मच गए एल्विस यादव के बारे में। तो एल्विस यादव जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे, एंड वो जो पुलिस केस भी करने वाले, बेसिकली उनका जो फॉर्च्यूनर कार था ना, एंड उनके जो सीए थे, वो दोनों के ही कार को किसी ने डंडे से मारा। यस, बेसिकली कार को डैमेज करने की कोशिश किया ना, एंड वो चीज जो है सीसीटीवी पर रिकॉर्ड हो चुका है। ऑफ कोर्स अभी वो नहीं दिखाया, लेकिन वो बताया कि वो जो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे एंड वो जो पुलिस केस भी करेंगे, एंड वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। मैं आपको उनके व्लॉग का एकदम छोटा सा क्लिप दिखाता हूं, आप देखिए। बता दो तू पब्लिक को, बता दो भाई, बता, और पुलिस कंप्लेंट भी करूंगा मैं उसकी। अब पुलिस कंप्लेंट नहीं, अब तो जो जो चीजें होने वाली है ना वो तुम देखते रहना। अब आगे किसी ने जो किया है ना वो फिर छू भी ना पाएंगे। भाई मैं बताता हूँ ऑनेस्टी से, बिल्कुल जो जो बात थी सारी। मैं एक जगह बैठा था, मेरे सीए साहब का फोन आया मेरे पास, दिवेश भाई का, कहते कि भाई ऐसे ऐसे उनके घर के बाहर खड़ी थी फॉर्च्यूनर, कहते भाई अभी ना साइकिल पे या फिर मोटरसाइकिल ऐसा कुछ बोला मेरे याद नहीं, दो बंदे आए, उन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी पे अटैक करा, लठवट मारे। और फॉर्च्यूनर तो फॉर्च्यूनर जो सीए साहब की हमारी ऑडी थी ना उस पे भी किया भाई। रात के बज रहे थे 12:41, करेक्ट 12:41 हो रहे थे भाई। गाड़ी का तुम कुछ भी कर लो, माँ कसम कुछ भी कर लो, पर जिस दिन हत्ते लग गए ना, जो तुमने गाड़ी काल करने की कोशिश करी है ना, तो सीसीटीवी भी है वहाँ पे, तो मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, सीसीटीवी से नंबर प्लेट नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, शक्ल तो आएगी, कुछ तो आएगा, वो मैं कर लूंगा फिर अपने हिसाब से। बिना लीगल कर देते ना तो बहुत गलत बनने हैं भाई हम, सच में हम बिना लीगल, मैं नहीं, मैं गलत ही हूँ, मैं बिना लीगल भी करूंगा। तो चलिए अगली अपडेट के बाद मच गए सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी आपको बताओ डेली व्लॉग्स अपलोड करते हैं, एंड उनके डेली 3 व्लॉग्स जो है ट्रेंडिंग पर होते हैं यूट्यूब पर। यस, रिसेंटली भी ऐसा ही हुआ था, एंड वो लिखे डेली 3 व्लॉग्स ट्रेंडिंग। भाई ऐसा करने वाले शायद से पहले यूट्यूबर है, क्योंकि इनके डेली 3 वीडियोस ट्रेंड करता है भाई यूट्यूब पर। तो चलिए अगली अपडेट के बाद मच गए शार्क टैंक इंडिया के बारे में। तो मनी कंट्रोल ने एक आर्टिकल लिखे थे, ठीक है, जहां पे बताया कि 12 स्टार्टअप फाउंडर्स जो लोग शार्क टैंक में आए थे, उनको प्रॉमिस किया गया था कि आपको जो इतना पैसा दिया जाएगा, वो अभी तक उनको मिला नहीं है 12 स्टार्टअप फाउंडर्स को। एंड जो जजेस है वो डील्स वगैरह चेंज करने कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था शायद से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ज्यादा इक्विटी मांग रहे हैं। बेसिकली वो लोग जो फिर से रीनेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। उस तरफ अनुपम मित्तल का कहना है कि 1 साल के राउंड लग जाता है कोई भी डील क्लोज होने में। बाकी क्या सोचते हो आप लोग इसके बारे में, कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बाद 2 रॉबर्स के बारे में, जो लोग जो एक कपल को लूटना चाहते थे, ठीक है, बट वो जो कपल थे ना जिनको वो लूटना चाहते थे उनके पास सिर्फ 20 रुपए था, एंड वो जो लुटेरे थे वो फिर से चेक करते, ठीक है, उनको जो 20 रुपए ही मिलता है। फिर वो इतने दयालु लुटेरा थे, वो लोग जो उल्टा 100 रुपए दे के भाग जाते, बट दिल्ली पुलिस जो दयालु नहीं थे, उन्होंने जो वो रॉबर्स थे उनको पकड़ लिया। चलिए अगली ये अपडेट के बाद मच गए आशीष मुचलानी के बारे में। अब मुचलानी क्यों बोल रहा भाई, आशीष मुचलानी एक फोटो पोस्ट किए थे, आप देख सकते हो, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा बस यार अभी नकली मूछ नहीं लगानी बाप के कैरेक्टर के लिए, बस हो गया। इसके नीचे एक बंदा रिप्लाई करता आशीष मुचलानी, एंड उसका जो है आशीष मुचलानी भी रिप्लाई करते, आप देख सकते हो। चलिए अगली ये अपडेट के बाद मच गए एमएस धोनी के बारे में। तो एमएस धोनी का ना एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा फ्लाइट का, जहां पे एक एयर होस्टेस जो है उनको चॉकलेट्स वगैरह देती है, एंड वहीं पे दिख जाता है कि एमएस धोनी जो कैंडी क्रश गेम खेल रहे थे, ठीक
कैंडी क्रश ने रिएक्ट नहीं करा, लेकिन कैंडी क्रश का जो पैरडी अकाउंट था उन्होंने एक ट्वीट किया ना, आप देख सकते हो, जस्टिन वी गॉट 3.6 मिलियन न्यू डाउनलोड्स इन जस्ट 3 आवर्स थैंक्स टू द इंडियन क्रिकेट लेजेंड एमएस धोनी, वी आर ट्रेंडिंग इन इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ऑफ कोर्स ये पैरडी अकाउंट है तो ये मजा ही ले रहा है, लेकिन हां कैंडी क्रश ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, ठीक है। तो चलिए अगली अपडेट के बाद मच के यूट्यूबर देवराज के बारे में, इनको आप सब लोग जानते हो, इनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, दिल से बुरा लगता भाई करके जो वीडियो था, तो इनसे रिलेटेड एक काफी शॉकिंग न्यूज आया कि इनका जो डेथ हो गया रोड एक्सीडेंट में। अब यार मैं तो जा क्या बोल सकता हूँ, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो चलिए अगली अपडेट के बाद प्रिया धापा के बारे में, इनको आपने जो सौरभ जोशी के व्लॉग्स में देखा होगा, इनका ना एक चैनल था, ठीक है, लेकिन वो जो डिलीट हो गया गलती से। यस, इसके बारे में बताते हुए अपने न्यू चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अगली अपडेट के बाद वुमन के बारे में जो कि यूएस से है, ठीक है, उसने क्या किया, एक उबर ड्राइवर को शूट कर दिया, उसको बेसिकली लगा कि उबर ड्राइवर जो उनको किडनैप कर रहा है। यस, वो जो वुमन थी ना वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी जो कि लोकेटेड था यूएस मेक्सिको के बॉर्डर में, ठीक है, लेकिन जब वो मेक्सिको के साइंस वगैरह देखने लगी, आई थिंक साइन बोर्ड्स वगैरह ना, तो उनको लगा कि उबर ड्राइवर जो उनको किडनैप कर रहा है एंड उसने जो शूट कर दिया भाई। तो चलिए अगली अपडेट के बाद मुझे शाहरुख खान के बारे में, तो शाहरुख खान ने ट्विटर पर क्यू एंड ए कर रहे थे, तो किसी ने उनसे पूछ लिया विल यू स्मोक ए सिगरेट विद मी, तो उसका शाहरुख खान रिप्लाई किया मैं अपनी बुरी आदतें अकेले ही करता हूं। तो चलिए अगली अपडेट के बाद मुझे पूरव झा के बारे में, इनको आप लोग जानते हो कि हर्ष बेनीवाल का टीम मेंबर है, तो इनका जो एक शो आ रहा है जियो सिनेमा में, यस, एंड वो कब आ रहा है 3 जुलाई को, वो एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट किए थे फाइनली अपना शो आ रहा है दोस्तों। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।